Hello dosto, I hope aapka pyara season ho raha hai and welcome back to another Minecraft video. And aaj hum log Minecraft mein karne wale hain dog house build battle, jisme main Shinchan aur Masao banayenge dog house aur dekhte hain kaun sabse badhiya dog house banayega. To chalo dosto is challenge ko shuru karte hain. Let's go. तो सबसे पहली बारी मेरी है, मैं बनाने वाला हूँ दुनिया का सबसे बेस्ट डॉग हाउस। तो मसाओ चल जल्दी से शुरू हो जा, तेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं और तुझे 5 मिनट्स में तेरा डॉग हाउस कंप्लीट करना है। खजाना 5 मिनट्स तो बहुत ज्यादा है, तुम देखना मैं अपने डॉग हाउस 2-3 मिनट में ही कंप्लीट कर दूंगा। मसाओ इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा बेकार डॉग हाउस बनाने वाले हो। शिनचैन अभी तुम ऐसे जज मत करो, तुम देखना मेरा डॉग हाउस कितना सुंदर होगा, तभी मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अच्छा तो अभी मसाओ अपने डॉग का हाउस वुड से बनाने वाला है, वैसे मैं भी अपने डॉग का हाउस वुड से ही बनाऊंगा। खजाना तुम मेरी कॉपी मत करो। अबे मसाओ मैं तेरी कॉपी नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। ओके ठीक है, वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तुम मेरा काम देखो और कोई भी मेरे डॉग हाउस कॉपी मत करना। अरे मसाओ कॉपी करना अलाउड ही नहीं है। मसाओ तुम्हारे डॉग हाउस तो बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। शिनचैन अभी तो ये बना भी नहीं है और तुम पहले बोलने लग गए। अरे मसाओ लेकिन ये अभी से बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। अरे शिनचैन अभी तुम थोड़ा सा तो वेट करो, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे मसाओ ट्रेलर ही बहुत ज्यादा बेकार है, इसलिए पिक्चर पक्का फ्लॉप होने वाली है। शिनचैन अरे मसाओ तू शिनचैन की बातों पे ध्यान मत दे, तू अपने डॉग हाउस पे ध्यान दे। अच्छा ठीक है खजाना, मैं अपने डॉग हाउस पे फोकस करता हूँ, तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ और वुड लगानी है। मसाओ वुड के अलावा भी तो कुछ लगाओ। शिनचैन में लगाऊंगा ना, अभी तुम देखना मैं कितनी बढ़िया चीज बनाने वाला हूँ मेरे डॉग हाउस के ऊपर। मैंने भी सोच रखा है मसाओ मैं अपने डॉग हाउस के ऊपर एक हड्डी बनाऊंगा। शिनचैन ये तो मैं करने वाला हूँ। मसाओ तुम मेरा आइडिया कॉपी कर रही हो। शिनचैन वैसे सबसे पहले डॉग हाउस मैं बना रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम मेरा आइडिया कॉपी करोगे। अरे दोस्तों तुम लड़ो मत, हड्डी तो हर डॉग हाउस में हो ही जाती है, इसलिए तुम दोनों भी बना सकते हो। खजाना तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये मसाओ फिर भी मेरा हाउस कॉपी करेगा। शिनचैन अभी तक तुम्हारा हाउस बना भी नहीं है, तो मैं कैसे कॉपी करूंगा। अरे लेकिन जो भी कहो, मसाओ ने ये हड्डी तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाई है। देखा खजाना मेरा कमाल, मेरे डॉग हाउस के ऊपर इतनी बड़ी हड्डी है जो कि मेरे डॉग हाउस का सबूत है। मसाओ लेकिन तुमने मेरा आइडिया कॉपी किया है, तुम बोलना मत। अरे शिनचैन मैंने तुम्हारा कोई भी आइडिया कॉपी नहीं किया। अरे चल मसाओ अब इसके अंदर का बना दे। हाँ खजाना अभी मैं अपने डॉग के लिए कच्चा से रूम बना देता हूँ, यहाँ पे बैरियर और यहाँ पे उसकी खड्डी रख देता हूँ, यहाँ पे ये घंटा लगा देता हूँ, अभी ये बैरल के ऊपर एक लैंटर्न लगा देता हूँ जो कि रात में रोशनी देगा। अरे मसाओ बहुत सुंदर लग रहा है। अरे मेरे डॉग के लिए पानी तो भूल ही गया, यहाँ पे अपने डॉग के लिए पानी दे देता हूँ। चलो उसको जब प्यास लगेगी तो वो यहाँ से आराम से पानी पी सकता है। वो तो अभी पॉट में मसाओ फूल लगाएगा। नहीं खजाना फूल तो सब लगाते हैं, मैं लगाऊंगा ये डेड बुश जो कि मेरे हाउस को थोड़ा यूनिक बनाएगा। अरे मसाओ तुम डॉग हो क्या? शिनचैन मैं डॉग नहीं हूँ, तो ये तुम्हारा हाउस कैसे हुआ? अरे मेरा मतलब मेरे डॉग के हाउस को यूनिक बनाएगा, तो ऐसे बोलो ना मसाओ। जो भी है मेरे डॉग का हाउस कम्प्लीट हो चुका है। ओके गाइस अभी मेरी बारी है, अब तुम लोग देखना खजाना कितना बढ़िया डॉग हाउस बनाएगा, लेट्स गो। चलो खजाना तुम जैसे भी डॉग हाउस बनाओ, तुम मेरे डॉग हाउस को बीट नहीं कर पाओगे। ओके खजाना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा बैड लक भी तुम्हारे साथ ही, शुरू हो जाओ। ओए मुझे तेरा बैड लक नहीं चाहिए शिनचैन, तू खुद के पास ही रख तेरा बैड लक। अभी तू देख मैं कितना ज्यादा क्रिएटिव हाउस बनाऊंगा। खजाना क्रिएटिव नहीं डॉग हाउस बनाना है। अरे मसाओ मैं क्रिएटिव का मतलब है कि डॉग के लिए एकदम यूनिक हाउस बनाऊंगा। अच्छा ये बात है, ठीक है चलो देखते हैं तुम कैसे बनाते हो। मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जो तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा और तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि वो आइडिया सिर्फ लेजेंड लोग सोच सकते हैं और वो लेजेंड मैं हूँ। खजाना तुम अपनी औकात से ज्यादा ही बोल रहे हो। अबे और शिनचैन तू चुप रहा है। खजाना लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ ना। अरे तो मुझे काम पे फोकस करने दे शिनचैन, फिर वरना मैं तेरा भी काम बिगाड़ूंगा। अच्छा ठीक है खजाना, तू मेरा काम बिगाड़ना मैं तुम्हारा बिगाड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं तेरा काम नहीं बिगाड़ूंगा, तू मेरा भी मत बिगाड़। खजाना जल्दी करो, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हारे पास भी सिर्फ 5 मिनट्स ही हैं। अरे हाँ मसाओ मेरा हाउस 5 मिनट्स में बन जाएगा। खजाना भी डॉग है। अबे मेरा मतलब मेरे डॉग का हाउस 5 मिनट्स में बन जाएगा, ये शिनचैन कितना ज्यादा हरामी है, इसको बस मौका चाहिए हम लोग की बेइज्जती करने का। अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। अरे शिनचैन चुप ही रह, तू मेरे को गुस्सा दिला रहा है अभी। खजाना ये तो तुम मेरा स्टाइल कॉपी कर रहे हो। अबे मसाओ ये
ये कॉपी नहीं है, ये डेकोरेशन है जो मैं अपने घर पे कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके सो अभी मेरे घर पे मुझे कुछ और ये लगाने हैं ट्रैप डोर्स, लेकिन ये दूसरे वाले लगाऊंगा, ये वाले ये अच्छे लग रहे हैं, है ना मसाओ? हाँ के जामे दिखने में अच्छी लग रही है, तुम्हारी शक्ल से तो ज्यादा ही अच्छी है। शिनचैन तू मेरे को काम पे फोकस करना देगा या नहीं? नहीं किसाना। हाँ तो ठीक है, मैं खुद ही फोकस कर लेता हूँ, मैं तेरे ऊपर फोकस करूंगा ही नहीं। अच्छा तो अभी तुम ऊपर भी ट्रैप डोर्स लगाने वाली हो किसाना? हाँ मसाओ ऊपर से कवर तो करना है ना, जो कि मैं ट्रैप डोर से ही करूंगा, ये ट्रैप डोर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं दिखने में। तेरी एग्जाम में लगता है तुम्हें ट्रैप डोर से प्यार हो चुका है। अरे वो पागल हो गया है क्या मसाओ, ये क्या बोल रहा है तू? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ तो थोड़ा ध्यान से बोल मसाओ, कुछ भी मत बोल यार, तू ट्रैप डोर से किसको प्यार होता है? तुम्हें होता है किसाना। हाँ शिनचैन तू तो बोली मत। अभी तुम यहाँ पे क्या लगाने वाले हो? यहाँ पे मैं हूल लगाऊंगा जो की एकदम कारपेट का काम करेगा। ये भी अच्छा आइडिया था। ओके सो अभी यहाँ का काम हो गया, अब मेरे डॉग के लिए मुझे कुछ सामान रखना है जो कि यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे पानी रखूंगा और यहाँ पे उसके लिए कुछ खाने के लिए रख दूंगा। किसान तुम तो डॉग के घर में ही खेती बाड़ी करने लग गयी। शिनचैन ये खेती बाड़ी नहीं है, यहाँ पे मेरे डॉग का खाना होगा। किसान का काम पूरा हो चुका है? शिनचैन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी थोड़ा वेट कर। एक एग्जाम लिख के तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। अरे हाँ मसाओ एक दो मिनट तो बचे ही होंगे, उनमें मेरा ये हाउस पूरा हो जाएगा। एक एग्जाम तुम्हारे नहीं, तुम्हारे डॉग का हाउस। अरे हाँ यार शिनचैन मेरे डॉग का हाउस, तूने तो आज मुझे परेशान करके रखा है। अच्छा अभी तुम साइड पे क्या लगाने वाली हो एग्जाम? अरे मसाओ ये साइड पे अभी मैं लगाऊंगा फ्लावर्स। तो तुम यहाँ पे फ्लावर्स लगाओगे? अच्छे अच्छे लगाना। हाँ मसाओ यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाऊंगा, ये वाले। ये तो बहुत ज्यादा कूल लग रही है किसान, अब तो हो गया ना तुम्हारा काम पूरा? नहीं शिनचैन अभी भी थोड़ा सा बाकी है, और वो है ये। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे मैं लिखूंगा शीरो, क्योंकि ये घर मैंने शीरो के लिए बनाया है। शीरो मेरा डॉग है किसान। ओए वो हमारा भी दोस्त है। सो यहाँ पे मेरा डॉग हाउस हो चुका है कम्प्लीट। बारी आ चुकी है दुनिया की सबसे प्रो प्लेयर शिनचैन लोहरा की, और मेरा डॉग हाउस होगा सबसे बेस्ट। मुझे पता है शिनचैन तुम सबसे बेकार डॉग हाउस बनाने वाली हो, और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अरे मसाओ तो बिल्कुल सही बोल रहा है। एक समय तुम दोनों ने अपने डॉग हाउस को वुड से बनाया ही, लेकिन मैं अपने डॉग हाउस को वुड से नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल अलग बनाऊंगा, क्योंकि मैं एकदम अलग जो हूँ। लेकिन वुड वाला हाउस ही ज्यादा बढ़िया लगता है शिनचैन। अरे मसाओ जब तुम मेरा बनाया हाउस देखोगे तो तुम बोलोगे वाह क्या बात है शिनचैन, तुमने तो कमाल कर दी, धोती फट के रुमाल कर दी। अच्छा यही बात है, तो चलो देखते हैं तुम कैसा बनाते हो। ओए अभी के लिए तो शिनचैन के हाउस की शेप थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे। अभी तुम्हें पूरा हाउस भी अच्छा लगेगा, तुम बस देखते रहो। लगता है शिनचैन यहाँ पे भूल लगाएगा। नहीं मैं साल में कभी नहीं करता, मैं यहाँ पे लगाऊंगा ग्लोस्टन। ये अच्छा नहीं लग रहा। ये तो अच्छा लग रहा है, ग्लोस्टन के ऊपर रेड कारपेट। देखा मसाओ मेरा दिमाग तुम सबसे बहुत ज्यादा है। अरे बस बस मैंने थोड़ी सी तारीफ कर दी, तुम थामे मुड़ने लग गए। ए मसाओ मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। ओए लगता है यहाँ पे शिनचैन फ्लावर पॉट लगाने वाला जैसे मैंने लगाए थे। नहीं किसाना मैं यहाँ पे कुछ और लगाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा डिजाइन कर देता हूँ। ओए ये कैसे किया तूने? ये है मेरा स्पेशल डिजाइन किसाना। अभी ऊपर क्या करने वाला है? ऊपर मैं लगाऊंगा हड्डी जैसे तुमने लगाई थी मसाओ। शिनचैन तुम सच में कॉपी कर रहे हो? ए मसाओ ये कोई कॉपी नहीं है, किसान ने भी तो बोला था। हाँ यार मसाओ डॉग हाउस में हड्डियाँ तो होती हैं, तो इसको हम लोग कॉपी नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है किसान, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। ओके ये मैंने लगा दिया और यहाँ पे भी लग गया, अब थोड़े से यहाँ पे स्लैब्स लगाने हैं। शिनचैन वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा ही है ना? हाँ मसाओ आखिर मैंने जो सोचा है। शिनचैन ये मैंने सोचा था। नहीं जी पहले मैंने सोचा था। ओए तो यहाँ पे शिनचैन तू ये लगाने वाला है? हाँ ये है बैंबू, जो कि तुम्हें पता नहीं होगा। आप मुझे पता इनको बैंबू बोलते हैं, आप तो मुझे ज्यादा बताएगा क्या? अरे हाँ दिखने में तो ये बैंबू भी अच्छे लग रही है। ओके अब मुझे यहाँ पे अपने डॉग के लिए पानी रखना है। पानी? हम तीनों ने अपने डॉग्स के लिए पानी रखा है। किसान तो जैसे तुम पानी के बिना नहीं रह सकते, डॉग्स भी नहीं रह सकते। अबे हाँ हाँ मालूम है मुझे। ओके सब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ शीरो हाउस शिनचैन, लेकिन ये वाले वुड पे तुम्हारे लिखा हुआ दिख गए नहीं। देखेगा मैं सारो जब मैं इसको ग्लो कर दूंगा। ओ तो अभी तू भी इसके ऊपर ग्लोइंग यूज करेगा? हाँ किसान ये देखो, एंड फाइनली शिनचैन का भी डॉग हाउस हो चुका है एकदम रेडी। ओके दोस्तों तो हम तीनों के डॉग हाउस हो चुके हैं रेडी, और अब बारी है हमारे तीनों के डॉग हाउस को रैंक करने की। एंड रैंक करोगे आप लोग, एंड कमेंट्स में भी बताओगे कि किसका डॉग हाउस है सबसे बेस्ट। सो चलो चलते हैं हमारे डॉग हाउस की तरफ। ओके सबसे पहला डॉग हाउस है मसाओ का, जो कि है ये वाला। शिनचैन इस डॉग हाउस को हर तरफ से दिखाओ। ओके किसान मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये है मसाओ का हर तरफ से डॉग हाउस, जो कि ज्यादा खास नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा तो है। ओके दोस्तों तो मेरे डॉग हाउस को आप लोग कमेंट्स में 10 में से नंबर जरूर देना।
बड़ी है कजाम के डोग हाउस की, तुझे है कजाम के डोग हाउस जो कि मसाओ से भी ज्यादा बुरा है। और शिनचैन मेरा डोग हाउस मसाओ से ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके दोस्तों, सो मेरे डोग हाउस को भी कमेंट्स में 10 में से नंबर जरूर देना। ए बड़ी है सबसे सुंदर डोग हाउस को देखने की जो कि है शिनचैन हरा का यानी कि मेरा। वाय कहाँ से सुंदर आई है, कजाम सुंदर तो लग रहा है। हाँ लेकिन हमसे ज्यादा सुंदर नहीं है मसाओ। दोस्तों शिनचैन हरा के डोग हाउस को भी कमेंट्स में 10 में से 10 नंबर दे दो। अबे और नल्ला शिनचैन। सो गाइस हमारी तीनों के डोग हाउस को आप लोग कमेंट्स में रैंक करना मत भूलना। एंड कमेंट्स में ये भी बताओ कि नेक्स्ट बिल्ड बैटल में हमें क्या बनाना चाहिए। एंड अगर आपको आज के बिल्ड बैटल में मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बाय बाय।